हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कंसेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कि और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस किया था कि अगर टाइम कांस्टेंट है, सो इफ द टाइम इज कांस्टेंट देन द रेशियो ऑफ डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्पीड। सो इसी को कंटिन्यू करते हैं, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं जो कैट या जैट में आ चुके हैं। सो पहला क्वेश्चन, नो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। लाइक जब कैट 2009 में फर्स्ट टाइम ऑनलाइन क्लास ऑनलाइन टेस्टिंग स्टार्ट हुआ था, तो कैट 2009 2010 11 12 13 हर साल ये क्वेश्चन मेरे सेट में आता रहा। ठीक है, कुछ कई बार वैल्यू चेंज हो जाती थी, कई बार कुछ होता, बट क्वेश्चन ओवरऑल यही था। सो इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई से। अब इसे कैसे कर सकते हैं, दो डिफरेंट मेथड से डिस्कस करूंगा मैं, जस्ट पे अटेंशन। Three runners A, B and C runs a race. So there are three runners, that is A, B and C. With runner A finishing 12 meters ahead of runner B. Okay. So एक रेस हो रही है, उस रेस में क्या आ रहा है, दो रनर्स हैं A और B. Alright. So let's say जब रनर A यहां पे है, okay. Runner A finishes 12 meters ahead of runner B. So runner B उससे कितना मीटर पीछे, 12 मीटर। So इन दोनों के बीच में टोटल डिस्टेंस कितना है, दैट इज 12 मीटर। ओके, 12 मीटर का डिफरेंस है। सो अगर टोटल डिस्टेंस, इफ द लेंथ ऑफ रेस कोर्स अगर x है, सो कैन यू से ए ने अगर x दौड़ा तो बी ने कितना डिस्टेंस दौड़ा, x माइनस 12, और सेम टाइम में, बिकॉज ये एक रेस है, जब रेस होती है तो दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, सो जब ए एंड पे पहुंचता है तो बी उससे 12 मीटर पीछे है। सो व्हाट इज कांस्टेंट हियर, टाइम इज कांस्टेंट हियर। सो टाइम कांस्टेंट है यहां पे। सो मैं कह सकता हूं स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल बाय बी। अब यहां पर ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ए ने डिस्टेंस ट्रेवल किया एक्स, और सेम टाइम में बी ने कितना किया है, एक्स माइनस 12। सो आई कैन राइट डाउन एक्स माइनस 12। सो ये तो फर्स्ट कंडीशन आ गई, ए और बी। ओके, अनदर कंडीशन इट सेज A, runner A finishes 12 meters ahead of runner B and 18 meters ahead of runner C. Okay, 18 meters ahead of runner C. So, A और C के बीच में डिस्टेंस कितना है, 18 meters. So, let's say C यहां पे है, तो ये डिस्टेंस B और C के बीच में कितना हो गया, 6 meter. Okay, 6 meter. Okay, so जितने देर में A X दौड़ता है, उतने देर में C कितना दौड़ता है, that is X minus 18. X minus 18. So I can say there are three person, that is A, B or C. Okay. In the same time, अगर A X meter दौड़ता है, तो B कितना दौड़ रहा है, X minus 12, और C कितना दौड़ रहा है, X minus 18. ये first case हो गया। अब second case है, while runner B finishes 8 meters ahead of runner C. Okay. Runner B जो है, वो 8 meter सीरीज जीत जाता है सी के कंपैरिजन में। सो इन द सेकंड केस व्हाट इज हैपनिंग, कि जब ये अगर रेस कोर्स है, सो अगर बी यहां पे है तो सी उससे कितना पीछे, 18 मीटर, नॉट 18 बट 8 मीटर। ओके, सो इस केस में जब बी एक्स मीटर दौड़ता है, टोटल एक्स दौड़ता है, तो सी कितना दौड़ रहा है, दैट इज एक्स माइनस 8। ओके, एक्स माइनस 8। ओके, एंड वी नो दैट द रेशियो ऑफ स्पीड इज इक्वल टू रेशियो ऑफ डिस्टेंस हियर। So, अब यहां पे क्या है, बी और सी का दो कंडीशन यहां पे मेरे पास है। ठीक है, सो आई कैन से द स्पीड ऑफ बी टू स्पीड ऑफ सी, फर्स्ट केस में स्पीड ऑफ बी टू स्पीड ऑफ सी क्या होगा, वी कैन से दैट स्पीड ऑफ बी अपॉन स्पीड ऑफ सी। ऑलराइट, सो स्पीड ऑफ बी अपॉन स्पीड ऑफ सी लिख सकता हूं मैं, स्पीड ऑफ बी अपॉन स्पीड ऑफ सी, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय बी अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल बाय सी। तो फर्स्ट केस में बी ने एक्स माइनस 12 ट्रेवल किया था, सेम टाइम में सी ने एक्स माइनस 18 ट्रेवल किया था। इट इज ऑल्सो इक्वल टू सेकेंड केस में, जब बी एक्स मीटर दौड़ रहा है तो सी कितना दौड़ रहा है, दैट इज एक्स माइनस 8। ओके, नाउ अब ये एक इक्वेशन है, इसे सॉल्व कर लो और इससे एक्स की वैल्यू आ जाएगी। नाउ ये देख के लग रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट एक्चुअली जब तुम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। So, इसे सॉल्व करके x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, दैट इज 48 मीटर। ओके, सो इसका आंसर क्या है, 48 मीटर, दैट इज योर आंसर, विच इज ऑप्शन बी। सो द करेक्ट आंसर इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर 2, विच इज 48 मीटर। ओके, नाउ क्या था यहां पे कांस्टेंट, टाइम। इसी क्वेश्चन को हम एक और मेथड से कर सकते हैं,
जहां पे ये इतनी सारी इक्वेशंस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखते हैं वो दूसरा मेथड भी क्या है। अब थ्री रनर्स ए बी एंड सी रन्स अ रेस विद रनर ए 12 मीटर्स एंड रनर बी 18 एंड अहेड ऑफ रनर बी एंड 18 मीटर्स अहेड ऑफ रनर सी। सो ये एक रेस कोर्स है। जब ए यहां पे है तो बी और सी, ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितनी है 12 मीटर ओके, और बी और सी के बीच में डिस्टेंस कितनी है 6 मीटर ठीक है। सेकेंड केस में क्या होता है, इट सेज व्हाइल रनर बी फिनिशेस 8 मीटर्स अहेड ऑफ रनर सी। जब रनर बी ऑपोजिट एंड पे पहुंचता है तो बी और सी के बीच में कितना गैप आ जाता है, 8 मीटर का गैप आ गया यहां पे ठीक है, 8 मीटर का गैप। अब इस क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे, लॉजिकली करेंगे। पहले केस में बी और सी के बीच में कितना था, 6 मीटर का डिस्टेंस था। अब बी और सी के बीच में कितना डिस्टेंस आ गया, 8 मीटर। कितने से ये डिस्टेंस इंक्रीज हुआ, ये डिस्टेंस कितने से इंक्रीज हुआ, 2 मीटर से इंक्रीज हो गया ना, पहले 6 था और अब ये 8 हो गए तो 2 मीटर इंक्रीज हो गया ओके। ये इंक्रीज क्यों हुआ, क्योंकि बी जो है अब वो ए की जगह पे आ गया, ए की पोजीशन पे, बी इज एट द एंड। इट मींस व्हाट कि जैसे ही बी ने 12 मीटर दौड़ा तो बी और सी के बीच में 2 मीटर का गैप इंक्रीज हो गया ओके। बी और सी के बीच में ठीक है कि जैसे ही बी ने 12 मीटर दौड़ा, जैसे वो 12 मीटर दौड़ता है तो बी और सी के बीच में डिस्टेंस कितने से इंक्रीज हो गया, 2 मीटर से इंक्रीज हो गया ओके। बट टोटल गैप बी और सी के बीच में एंड तक कितना है, 8 मीटर का गैप है, यस और नो। सो 2 मीटर जो बी और सी के बीच में गैप 2 मीटर आता है जब बी कितना दौड़ता है, 12 मीटर ओके। तो अगर टोटल रेस में बी और सी के बीच में 8 मीटर का गैप है, कितना गैप है, 4 टाइम्स ज्यादा है, 2 × 4 = 8, तो बी 2 मीटर का गैप 12 मीटर में आता है तो 8 मीटर का गैप कितने में आएगा, 12 × 4 = 48 मीटर। सो द आंसर इज नथिंग बट दैट इज 48 मीटर। सो ये मेथड बहुत ही इजी है और इसे हम जल्दी से आंसर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, प्योर लॉजिकल है, मैंने ये प्रोपोर्शनैलिटी का भी फंडा यहां पे यूज नहीं किया है। सो सिंपल सा लॉजिक है कि अभी बी और सी के बीच में 8 मीटर, जब बी 8 मीटर दौड़ता है तो बी और सी के बीच में 2 मीटर का गैप आता है। सो टोटल 8 मीटर का गैप है 4 टाइम्स, सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी विल बी आल्सो 4 टाइम्स, सो 12 × 4 = 48 मीटर। सो ये आंसर हो गया। सो आई होप कि इस क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया, और दोनों ही मेथड इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को दोनों ही मेथड आना चाहिए। अब ये देखते हैं कैट 2004 का क्वेश्चन। अब यहां पे करण अर्जुन की मूवी वासे करण और अर्जुन है। सो करण एंड अर्जुन रन्स अ 100 मीटर रेस। सो रेस कितने की है, 100 मीटर की रेस है। सो अगर रेस 100 मीटर की है, सो मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ये 100 मीटर की रेस होगी ओके, 100 मीटर वेयर करण बीट्स अर्जुन बाई 10 मीटर ओके। सो करण बीट्स अर्जुन बाई 10 मीटर। सो करण अर्जुन को 10 मीटर से हरा देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब करण यहां ओपोजिट एंड पे है तो अर्जुन उससे कितना पीछे है, 10 मीटर पीछे। सो अर्जुन और करण के बीच में कितना गैप हो गया, 10 मीटर। सो कांस्टेंट यहां पे क्या है, टाइम कांस्टेंट है या स्पीड कांस्टेंट है या डिस्टेंस, पहले ये अपने आप से पूछो। यहां पे क्या है, टाइम कांस्टेंट, क्योंकि रेस है तो दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट किए होंगे, और जब करण रेस फिनिश करता है तो उस टाइम अर्जुन उससे 10 मीटर पीछे होता है। सो यहां पर टाइम क्या है, टाइम इज कॉन्स्टेंट है ओके। एंड वी नो कि अगर टाइम कॉन्स्टेंट है तो रेशो ऑफ डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू रेशो ऑफ स्पीड। सो रेशो ऑफ डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू रेशो ऑफ स्पीड। सो d1 बाई d2 इट हैज टू बी इक्वल टू s1 बाई s2 ठीक है। अब करण ने टोटल ओके, अर्जुन ने कितना ट्रैवल किया, अर्जुन ने केवल 90 मीटर ट्रैवल किया जबकि करण ने 100 मीटर ट्रैवल किया। सो आई कैन से स्पीड ऑफ करण टू स्पीड ऑफ अर्जुन ओके। डिस्टेंस ट्रैवल बाई करण, करण ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 100, और अर्जुन ने कितना किया, 90। सो करण और अर्जुन की स्पीड का रेशो क्या हो गया, 10:9 ओके। सो करण और अर्जुन की स्पीड की रेशो यहां पे 10:9 हो गई। अब सेकंड सिनेरियो में क्या होता है देखते हैं हम लोग ठीक है ना। करण स्टार्ट टू डू अ फेवर टू अर्जुन। अब करण क्या करता है, अर्जुन को एक फेवर देता है। करण स्टार्ट्स 10 मीटर्स बिहाइंड द स्टार्टिंग लाइन इन अ सेकंड 100 मीटर रेस। So, अब दूसरी रेस है जो 100 मीटर की है। सो ये दूसरी रेस 100 मीटर की है ठीक है। अब इस रेस में क्या करता है, करण स्टार्ट्स 10 मीटर्स बिहाइंड। सो अर्जुन तो यहीं से स्टार्ट कर रहा है रेस, और जो करण है
वो उससे 10 मीटर पीछे से स्टार्ट कर रहा है, ओके, करण को 10 मीटर पीछे से स्टार्ट कर रहा है, सो ये 110। सो अर्जुन को 100 मीटर ट्रैवल करना है, जबकि करण को कितना करना है, 110 मीटर। सो दोनों की स्पीड क्या है, पहले जितनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन कनेक्शन विद द सेकंड रेस। सो अब देखो यहां पे करण और अर्जुन की स्पीड की रेशो 10:9 है। सो इसको मैं लिख सकता हूं दैट डिस्टेंस ट्रैवल बाय करण 10:9, इस दो इस रेशो को 11 से मल्टीप्लाई कर दो। सो वी नो दैट सेकंड केस में डिस्टेंस कवर्ड बाय करण टू डिस्टेंस ट्रैवल बाय अर्जुन इट विल बी ऑलवेज द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ करण टू स्पीड ऑफ अर्जुन। ठीक, अब स्पीड ऑफ करंट टू अर्जुन 10:9 है, ओके, तो इस रेशो को अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्यों 11 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्योंकि 110 ट्रैवल करना है करंट को, ओके, तो 10 × 11 और डेनोमिनेटर भी 11 से, वैल्यू चेंज नहीं होगी, सो ये क्या आ गया 110/99। इट मीन्स करण जितने देर में 110 मीटर ट्रैवल करता है, अर्जुन उतने देर में कितना करता है, 99। सो करण ने तो 110 ट्रैवल किया। So, अगर करण ने 110 ट्रैवल किया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि करण तो यहां पे पहुंच चुका है, ठीक है, पूरा 110 ट्रैवल कर लिया, जबकि उतने ही देर में अर्जुन ने कितना ट्रैवल किया, 99। So, अभी भी जो अर्जुन है वो कितना पीछे है, 1 मीटर पीछे, उसने केवल 99 ट्रैवल किया, करण ने पूरा 110। सो दोनों के बीच में गैप कितने का है, 1 मीटर का। सो 1 मीटर का गैप है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट करण बीट्स अर्जुन बाई 1 मीटर। So the correct answer is Karan beats Arjun by 1 meter. So you must have seen कि अभी इस वीडियो में मैंने दो एग्जाम्पल लिए, दोनों ही कैट के क्वेश्चंस थे, ठीक है, और हमने कॉन्सेप्ट क्या यूज किया, सिंपल सा कि टाइम कॉन्स्टेंट है। तो जब भी टाइम इस पर डिस्टेंस के क्वेश्चन दिखाई देते, पहला चीज जो माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि क्या टाइम कॉन्स्टेंट है या स्पीड कॉन्स्टेंट है, डिस्टेंस कॉन्स्टेंट है। तो अभी तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स केवल वही लूंगा जिसमें टाइम कॉन्स्टेंट है, एक बार आप इसे मास्टर कर लोगे तो फिर मैं दूसरे एग्जांपल्स लूंगा जब स्पीड कांस्टेंट हो या डिस्टेंस कांस्टेंट हो, तब उन क्वेश्चंस को कैसे टैकल करते हैं। बट यस, दूसरा मेथड भी इंपॉर्टेंट है पहले क्वेश्चंस के लिए। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा और ये सारे मेथड्स जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। सो थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही मैं लॉन्च करूंगा जिसमें मैं कुछ और एग्जाम्पल्स लूंगा जैट के और मे बी अलग दूसरे एग्जाम्स के, जिस जहाँ पे वी कैन सी कि इन कंसेप्ट को कैसे एक्चुअल एग्जाम में हम यूज कर सकते हैं। सो थैंक यू वंस अगेन।